सो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी YouTube पर रगड़ रहे हैं। आप लोग काफी सारी वीडियोस को अपलोड कर चुके हो, YouTube के सहारे बैठे हो कि YouTube आपकी वीडियोस को वायरल करवाएगा, लेकिन एक्चुअल में YouTube कर क्या रहा है? आपकी वीडियोस को वायरल ही नहीं करवा रहा। आप वीडियोस अपलोड करे जा रहे हो उसके सिस्टम पर, उसके सर्वर पर, लेकिन वो आपको 1% भी रिजल्ट नहीं दे रहा। भाई YouTube के सहारे मत बैठो, मैं तो कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इस बात को एक्सपीरियंस किया है। जब तक आप YouTube के सहारे बैठोगे वो कब वायरल करेगा? आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर कब वायरल करेगा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आप अपनी एंड से अपनी वीडियोस को वायरल करवा सकते हो, यह हकीकत है। और ये बात न्यू यूट्यूबर तब तक भरोसा नहीं करेगा जब तक वो एक्चुअल में अपनी वायरल नहीं करवा लेता। देखो, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी शुरुआत में ये चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया मुझे ये चीज़ें पता लगी। तो एक्चुअल में ये चीज़ पता लगी मुझे कि हाँ, ये चीज़ काम करती है। आप अपने एंड से भी ये पहचान सकते हो कि वीडियो आपकी कैसे वायरल होगी, आपके हाथ में होता है। लगभग देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटर जो है यूट्यूब पर वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं और ये उनके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होता है। क्योंकि इस वीडियो में जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये टोटल जितने भी क्रिएटर्स हैं ना यूट्यूब पर, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने भी छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, यानी कि जिनका सब्सक्राइबर बेस हो गया है, उन्होंने इस चीज़ को फोकस करके आज तक वो काम कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ काम करती है और वो अपने एंड से वीडियोस को वायरल करवा लेते हैं। जब यूट्यूब रीच डाउन करता है तब थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन वो अपने एंड से रीच को भी बढ़ा लेते हैं। यही मेरे साथ होता है, मेरी भी रीच डाउन कभी कभार होती है, एल्गोरिथम चेंज होती है, रीच डाउन होती है, बट मैं अपने एंड से अपने व्यूज़ को बढ़ा लेता हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअल में प्रोसेस मालूम है, ये प्रोसेस काम करता है। तो कौन सा प्रोसेस है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखो, अगर सीरियस तरीके से इस वीडियो को देखने आए हो तो प्रॉपर तरीके से वीडियोस को समझो ध्यान से। रोते रहने से कुछ भी नहीं होगा। अभी भी अगर कमेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कमेंट में कहेंगे हमारी वीडियो वायरल नहीं होती, रोते रहो, कुछ नहीं हो सकता आपका। रोने से कुछ नहीं होगा भाई, मैं रोता तो मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाता, समझ रहे हो। मैंने प्रॉपर तरीके से अपने एल्गोरिथम को समझा, अपने यूट्यूब के एल्गोरिथम को देखा और यहाँ पर मैंने YT स्टूडियो को देखा, मुझे चीज़ें समझ में आने लगी जो क्रिएटर्स को आज समझ में नहीं आ पा रही हैं। आप जैसे क्रिएटर्स को समझते ही नहीं हो, रोते रहते हो भाई व्यूज़ नहीं आ रहे। रोने से कुछ नहीं होगा भाई, YouTube कितना भी रोते रहोगे कमेंट में YouTube नहीं सुनेगा आपकी। आप जब तक अपने एंड से मेहनत नहीं करोगे आपका कुछ नहीं होने वाला। अपने एंड से आप काम करना सीखो, ये जो तरीका बता रहा हूँ इसको डीपली लेना सीखो। आपकी वीडियो वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी वायरल होगी भाई। यूट्यूब को मजबूरन आपकी वीडियोस को वायरल करना पड़ेगा क्योंकि आप अपने एंड से वो चीज़ें यूट्यूब को दे रहे हो जो एक्चुअल में यूट्यूब मांगता है। ठीक, इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, सीरियसली तरीके से बोल रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो को अभी का भी लाइक कर दो, चैनल पर नए हो अभी भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। चलेगा, आज के इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये मैंने एक्सपीरियंस से गेन करी है और हर एक यूट्यूबर, जितना भी बड़ा यूट्यूबर है, आज इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर ऑन हो चुकी है, देखिए यहाँ पर गाइज की मूवमेंट्स और ऑडियंस रिटेंशन है। इस पोर्शन को मैं थोड़ा डीपली समझा रहा हूँ। ये चीज़ों में आप लोग अगर अपने एंड से आप लोग यहाँ पर दिमाग लगाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको नहीं पता ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। यहाँ पर ये परसेंटेज वाला देख रहे हो ना, 58%, यहाँ पर 46% और नीचे यहाँ पर 44% भी है। ये चीज़ क्या है? आपने कभी फोकस के साथ इस पर काम किया? नहीं। आपकी अगर रीच डाउन है, आप अगर 500-600 वीडियो अपलोड कर चुके हो, आज से इस तरीके को आजमाना शुरू कर दो। आप अपने एंड से सिर्फ इस ग्राफ को देख के आप अपने एंड से वीडियोज़ को वायरल करवा सकते हो, ये मैं गारंटीड बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये चीज़ एक्चुअल में काम करती है। ये बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसको फॉलो किया है और उनको रिजल्ट भी मिला है। क्या चीज़ है अभी भाई, हमको जल्दी से बताओ। देखो, यहाँ पर की मूवमेंट्स और ऑडियंस रिटेंशन लिखा हुआ है। ठीक, इंट्रोज वाला पार्ट आप लोग देख रहे हो, इंट्रोज वाले पार्ट में आपको बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मैंने आपको अभी पिछले 1 से 2 दिन पहले एक वीडियो में हुक के बारे में बताया था, जो शुरुआत का 30 सेकंड्स का पार्ट होता है लॉन्ग वीडियोस के लिए, और शॉर्ट वीडियोस के लिए शुरुआत का 10-15 सेकंड्स का पार्ट होता है। यानी कि आपको अपने हुक को सुधारना होता है। आप लोग देख सकते हो लॉन्ग वीडियोस में 30 सेकंड्स का पार्ट है। 30 सेकंड्स के पार्ट में कितने परसेंट लोग आपकी वीडियोस को स्टिल देख रहे हैं, वो परसेंटेज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में आपको यहाँ पर वो पता लगेगा, अगर आपका परसेंटेज लो आ रहा है, यहाँ पर मान लो मेरा तो 58 आ रहा है, तब भी ठीक ठाक है। ठीक है, मैं इसे बहुत बढ़िया नहीं मानूंगा, ठीक ठाक है, मेरा भी एवरेज है। ठीक, आप लोगों का अगर 15%, 10%, 5% आ रहा है ना, तो ऐसे में क्या समझूँ मैं? ऐसे में आप लोग क्या समझोगे? वीडियोस लो है, यानी कि ऑडियंस उसे नहीं देख रही है, यही तो समझोगे? ऑब्वियस ही बात है, यही आएगा दिमाग में। और ये एक्चुअल में है कि आपकी वीडियोस को कोई नहीं देख रहा है शुरुआत का पोर्शन, दैट्स वाई आपका वहाँ पर डाउनफॉल आ रहा है। इसी वजह से आपका व्यूज डाउन जा रहा है, यूट्यूब आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक्चुअल में आपको ये पता लगा। ठीक, ये हो गया, ये आपको इंट्रो वाला पार्ट समझ में आ गया। सेकेंड पोर्शन टॉप मोमेंट है। ये टॉप मोमेंट आपकी किस्मत बदल सकता है। अगर एक्चुअल में आपको रीच डाउन है, यूट्यूब आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप एक बार टॉप मोमेंट को देख लेना, यानी कि कंटिन्यूस सेगमेंट को देख लेना,
आपकी रीच YouTube बढ़ाएगा, गारंटीड मैं इतना बोल रहा हूँ, YouTube आपकी रीच बढ़ाएगा, इतना मेरी बात को नोट कर लो, बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर टॉप मोमेंट वाले सेक्शन देखने को मिल जाएंगे, टॉप मोमेंट वाली वीडियोस देखने को मिल जाएंगे आपको इन वीडियोस पे, जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर टॉप मोमेंट आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो हाउ टू वायरल शॉर्ट वीडियो ऑन YouTube, सबसे ज़्यादा मेरा यहाँ पर कंटिन्यूस सेगमेंट आ रहा है, 1:35 से 9:52 तक लोग बाग कंटिन्यूस देख रहे हैं, यानी कि मुझे पता चल रहा है कि इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है मेरी ऑडियंस, मैं इस टॉपिक पर लगातार 7 से 8 वीडियो बनाऊंगा 1 महीने के अंदर, देखना मेरी रीच कैसे नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, और मैं ये अपने एंड से वायरल करवाऊंगा। YouTube ने मेरे को बताया है कि भाई तुम्हारी कंटिन्यूस सेगमेंट इतना देख रही है ऑडियंस, बनाऊंगा मैं, YouTube वायरल करेगा, क्योंकि YouTube ने यहाँ पर मेरे को बताया है मैं अपने एंड से वायरल करवाने वाला हूँ। दूसरा यहाँ पर टॉपिक देखो, शॉर्ट्स वीडियो डाउन प्रॉब्लम था, शुरुआत से लेकर 8:09 तक लोगों ने कंटिन्यूस देखी है, तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगा भाई ऐसे टॉपिक पे वीडियो, जब मुझे मालूम है इस टॉपिक पर रेस्पॉन्स आएगा, और इस वीडियो पे अगर मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा मेरी वायरल होगी गारंटीड, मैं इतना डंके की चोट पे कह सकता हूँ, मैं इस टॉपिक पे दोबारा वीडियो बनाऊंगा, दोबारा रैंक करवा लूंगा, और मेरी शॉर्ट वीडियो वाली वीडियो भी देख लेना आप लोगों ने, कल मैंने रैंक करवाई है, कल मैंने वायरल करवाई है, वो उस पर व्यूज़ धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो, तो आपके व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे मेरे भाई, यकीन मानो अपने अभी भाई का, रोने से कुछ नहीं होगा, ये पोर्शन देखो, हम भी इसी पोर्शन को देख के व्यूज़ बढ़ाते हैं, जितने भी क्रिएटर्स हैं वो इस पोर्शन को देखते हैं किस वीडियो में सबसे ज़्यादा आ रहा है, तभी आपने देखा होगा, देख लो यहाँ पर क्रिएटर सच का चैनल, जब उसे मालूम है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, पर उसके व्यूज़ आते हैं, उसका टॉप मोमेंट ज़्यादा आता है, तो वो महीने में 4 से 5 वीडियो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं पर निकाल देता है, समझ रहे हो, तो ये तरीका काम करता है, बड़े बड़े क्रिएटर्स के चैनल ही देख लो यार, क्यों बार बार वो रिपीट टॉपिक्स बनाते हैं एक ही पे, क्योंकि उन्हें मालूम है कंटिन्यूस सेगमेंट आ रहा है, वो बनाएंगे उनकी वीडियो वायरल होगी, ये तरीके काम करते हैं। देखो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया, तीसरा है स्पाइक्स, स्पाइक्स क्या होते हैं, आपकी वीडियोस का कुछ ऐसा पोर्शन जो व्यूअर्स बार बार बैक करके उस पोर्शन को देख रहे हैं, यानी कि कंटिन्यूस सेगमेंट देख रहे हैं उसमें स्पाइक्स आ रहे हैं, स्पाइक्स होते हैं ऐसे आते हैं ना जो पहाड़ जैसा बनता है स्पाइक्स, मैं आप लोगों को दिखाऊँ, चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अभी यहाँ पर, चलिए वीडियो ओपन हो रही है, ये देखो ये वाला स्पाइक है ना, ये पहाड़ सा बन रहा है ना, ये है स्पाइक, और ये स्पाइक्स आपकी वीडियोस में जितने ज़्यादा होंगे, यानी कि अभी मेरी वीडियोस में एक स्पाइक है, आपकी वीडियोस में 4-6 स्पाइक होंगे ना, तगड़ी तरीके से आपकी वीडियो यहाँ पर चलने वाली है, आप अपने एंड से वीडियोस को वायरल करवा सकते हो, ये भी YouTube आपको बता रहा है, तो YouTube तो आपको ऐसी चीज़ें बता रहा है जिस जो आप वीडियो को वायरल कर सकते हो, जो एक्चुअल में एल्गोरिथम में आपकी वीडियो जाएगी, यही चीज़ें काम करती हैं भाई, यही चीज़ें काम करती हैं, आपका ऑडियंस रिटेंशन सुधर जाएगा, आपका व्यूअरशिप देखने लग जाएगी आपकी वीडियोज़ को, अगर आपने एक्चुअल में इसको फोकस के साथ काम कर लिया। देखो ये +1, +2, +3 आना ना, इनमें स्पाइक्स आए हैं, अब जैसे कि यहाँ पर इस वाली पे देख सकते हो +2 स्पाइक इस वाली पे आए हैं, +4 4 स्पाइक आए, देखो ये देखो ये देखो ये देखो स्पाइक देख रहे हो कितने तगड़े तरीके से आ रहे हैं, दैट्स वाई मेरी इस वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ भी हैं, इसी वजह से कहता हूँ लोग बाग प्लीज़ फ़ायदा उठाया करिए, ऑडियंस रिटेंशन लो रहेगा ना, 5 मिनट की वीडियो है 39% का ऑडियंस रिटेंशन है, उसमें भी 4 बार स्पाइक्स आए हैं, दैट्स वाई इस वीडियो पर मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आए हैं। चलो चौथा आता है डिप्स, देखो टिप्स होते हैं जब लोग बाग आपकी वीडियोस को छोड़ के जा रहे हैं, वो पोर्शन बीच में भी आ सकता है डिप्स वाला, वो पोर्शन शुरुआत में भी आ सकता है, वो पोर्शन एंड में भी आ सकता है, अब जैसे कि ये वाली वीडियो है, ठीक है, अब ये वाली वीडियो में आप लोग देख सकते हो डिप्स, यानी कि 8:31 की वीडियो है, 4:15 के बाद लोग बाग ने वीडियोस को छोड़ना शुरू कर दिया, यानी कि मुझे पता लग गया 4 मिनट तक तो मेरी वीडियो ठीक थी, बट इस वीडियो में मैंने कुछ ना कुछ गलती करी है जो बहुत ज़्यादा एंड तक लोग बाग मेरी वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, तो एक्चुअल में मुझे पता लग गया अच्छा इस चीज़ को सुधारना है, मैं इस चीज़ को सुधार के अपनी व्यूज़ को बढ़ा सकता हूँ, समझ रहे हो, तो डिप्स आपको देखने हैं कि कहीं ना कहीं आपकी वीडियोज़ में ज़्यादा डिप्स तो नहीं आ रहे, अगर ज़्यादा डिप्स आ रहे हैं तो उनको आपको सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्चुअल में उन पर आपको काम करना पड़ेगा तभी आप अपने व्यूज़ को बढ़ा सकते हो, समझ रहे हो, ठीक है, आप लोगों को ये भी चीज़ें समझ में आ गई, अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद करके अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ समझा रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। देखो जो भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में तरीके बताए हैं ये आपके ग्राफ में ज़रूर आ रहा होगा, की मूवमेंट्स फॉर ऑडियंस रिटेंशन, ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, अगर आप लोग कमेंट में ये लिखोगे भाई ये ट्रिक काम नहीं कर रही, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये तरीका है जो YouTube ने आपको दे रखा है, ये एक ग्राफ है जो YouTube आपको प्रोवाइड कर रहा है, एल्गोरिथम का पूरा सिस्टम YouTube ने आपको ग्राफ में प्रोवाइड कर दिया है, यानी कि एल्गोरिथम किस चीज़ को सबसे ज़्यादा देख रही है, आपकी व्यूअरशिप अटक कहाँ रही है, आपकी व्यूअरशिप देख क्यों नहीं रही है, आपकी वीडियोस को क्यों नहीं देख रही है, कहाँ डिप्स आ रहे हैं, कहाँ स्पाइक आ रहे हैं, अरे डिप्स तो आपको एक्चुअल में पता लग जा रहे हैं, यही आपको पता लग जा रहा है ऑडियंस कहाँ छोड़ रही है, मुझे पता लग गया मेरी 8 मिनट की वीडियो थी 4 मिनट पर छोड़ के जा रही है, मतलब मैं समझ गया 4 मिनट के बाद मेरा कुछ गड़बड़ है, मैं उसको सुधार लूंगा तो मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, ऑब्वियसली बातें बढ़ेंगे, क्योंकि जिस चीज़ को मैं सुधारूंगा उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करूंगा, कुछ ना कुछ चेंजमेंट्स करूंगा, ठीक है, एक स्टेप आगे ही बढ़ूंगा उससे, तो मैं अपने व्यूज़ को बढ़ा लूंगा, तरीके को समझो,
रोने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, ग्राफ आपके पास है, आपके पास सब कुछ है, 500-600 वीडियो एकदम ऐसे करके अपलोड कर। देखो मेहनत तो आप लोग भी कर रहे हो, ठीक है, वीडियोस आप भी मेहनत से बना रहे हो, एडिट मेहनत से कर रहे हो, रात रात भर यूट्यूब का ग्राफ देख रहे हो, नहीं बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में इस ग्राफ पर फोकस करो, जो चीज़ें आपको बताई जा रही है उस पर फोकस के साथ काम करो। ये यूट्यूब ने आपको दे रखा है तो ऐसे ही हल्के में मत लो इससे कि हल्के में ही ले रहे हो, नहीं भाई, थोड़ा समझो इस ग्राफ को, इस ग्राफ से आप अपनी रीच को बढ़ा सकते हो, सच में बता रहा हूँ, फोकस के साथ काम करेगा, रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो गाइस ये थे आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताएगा, मिलता हूँ ऐसे कैसे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।